सीधी तस्वीर है गुजर नगर से आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह से बीजेपी की स्पोक्स पर्सन नुपुर शर्मा के मुतनाजा बयान के बाद लगातार मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में एहतजाजी मुजाहरे किए जा रहे हैं। वहीं जल्द से जल्द एक्शन होना चाहिए, क्यों 10-10 दिन 20-20 दिन महीना एक जो आदमी गलत बात बोलता किसी मस्जिद। इस वक्त की ये सीधी तस्वीरें आपको गुजर नगर जामिया मस्जिद के बिल्कुल बाहर से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पर लगातार जो है एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। और आप पर यहां सीधी तस्वीर है गुजर नगर से आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह से बीजेपी की स्पोक्स पर्सन नुपुर शर्मा के मुतनाजा बयान के बाद लगातार मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में एहतजाजी मुजाहरे किए जा रहे हैं। वहीं भदरवा में आपने देखा होगा, भदरवा में एहतजाजी मुजाहरे हुए, उसके बाद चनाब बेल्ट में जो है लगातार इंटरनेट खिदमात जो है वो मुअत्तल कर दी गई हैं। गुज़श्ता कल की आपने तस्वीरें देखी होंगी, जहां पर राष्ट्रीय बजरंग दल की जानिब से भी एहतजाजी मुजाहरा किया गया नुपुर शर्मा की हिमायत में, और आज जो है मुस्लिम तबका की जानिब से गुजर नगर जम्मू में जो है वो एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। नमाज के बाद की ये फौरी तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पर लोग जो है वो एहतजाजी मुजाहरा कर रहे हैं। राम जी है ना, जो राम, इनके टीचिंग्स अगर इन्होंने पढ़ी होती ना, ये राम के नाम को इस तरह यूज़ नहीं करते। हमें पता, हमने पढ़ा, हमने हिस्ट्री पढ़ी। राम ने जो इंसानियत का पैगाम दिया उसको मुसलमान भी एक्सेप्ट करता है, सिख भी एक्सेप्ट करता है, क्रिश्चियन भी एक्सेप्ट करता है, ST भी करते हैं, SC भी करते हैं, OBC भी करते हैं, दलित भी करते हैं। और हम, मैं फिर से कहता हूँ, ST जम्मू पूरे इंडिया, SC ST OBC दलित मुसलमान के साथ हमेशा खड़ा है इनकी, क्योंकि इन पर बहुत जुल्म हुआ है और आज हुकूमत ने अभी भी किया है, ये बात क्लियर कर दे। दूसरी बात मैं बताता हूँ, जम्मू के अंदर जो ये प्रोपोगंडा कर रहे हैं हुआ, आप जो भदरवा में हुआ अच्छा हुआ, प्रोटेस्ट हुआ, लेकिन इसमें जो किसी के मज़हब पे बात है हम उसके खिलाफ हैं। मज़हब को बड़ा भला नहीं कहना चाहिए था, हाँ तुम अपने अंदर की जो तुम्हारी तकलीफ थी, दर्द था, नबी का गम था, तुम कहते, लेकिन इसके बाद ये चीज़ नहीं कहनी चाहिए, ये चीज़ हम गलत कहें। लेकिन एक चीज़ आप बताएं, मैं एक हुकूमत से सवाल करता हूँ, क्या इंडिया के अंदर पहले एक नरसिंह का गंध वो घटिया इंसान उठा जिसने पूरा निज़ाम उस जैसे टीचिंग, जैसे जिन्होंने राम जी की टीचिंग दी, उनके नाम कोई बोलना नहीं चाहिए मैं इस मामले में, लेकिन वो कैसे बदनाम कर रहा है। उसके बाद एक और उठते हैं, फिर नूपुर शर्मा होती है, नवीन, ये होते कौन हमारे नबी पे आवाज़ उठाने वाले? ये जम्मू में रिपीट हो रहा है, ये एक बार एक चीज़ हो गया, अब इन्होंने हमारे नबी पे आवाज़ उठाई। अब उसने नूपुर शर्मा ने जो बात कही, नहीं आना चाहिए था, अगर कहते हैं नहीं आना चाहिए था कतर को, नहीं आता सऊदी, एक बात बताओ, जब प्राइम मिनिस्टर को ये बात पता है कि इसने ये कही है, तेरी बेटी तो है वो एक हिसाब से, अगर पॉलिटिक्स के हिसाब से देखी जाए, जब उसने बात कही तुमने अंदर नहीं किया, तुमने उसको सलाखों के अंदर नहीं किया, तुमने बात तो कर दिया अंदर नहीं किया, आज 5 साल के सस्पेंड किया, 5 महीने बाद फिर याद आएगी, फिर अंदर ले लेंगे उसको, उसको अंदर नहीं किया, तो एक बात बताओ, नबी के आशिक यहीं हैं या बाहर भी हैं, पूरे आलम में हैं, तो उन्होंने आवाज़ तो उठानी थी। अब जब आवाज़ उठ रही है तो ये जो है उसको अभी तक अरेस्ट नहीं करे, ये मुझे बताओ, ये कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से इजाज़त देता है इनको, क्या जो बाबा बी आर अम्बेडकर जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उनको ये नहीं फॉलो कर रहे, तो ये खुद फॉलो नहीं कर रही, ये कैसे हमारे नबी तक पहुँचे? हम इनसे ये डिमांड करते हैं पहली चीज़ कि हमारे नबी की शान में जो गुस्ताखी करेंगे उनको सजा मिलनी चाहिए, बेशक। और यहाँ के नहीं, ना कि जम्मू, इस जम्मू के इस यहाँ से ले लो, यहाँ से लेके पूरी दुनिया जो अल्लाह ताला ने बनाई है इसके अंदर, एक चीज़ मैं बता दूँ, हर बंदा यही डिमांड करता है, चाहे वो यहाँ का कहीं का की है, तो उन सबको सजाएं होनी चाहिए। बाप कहना चाहूँगा, होनी ही चाहिए। अब मुसलमान किसी को हिंदू धर्म, अब देखो राम को कोई गलत कहेगा, हम बिल्कुल खिलाफ हैं इसके, क्यों कहा? कोई लक्ष्मण कहेगा, क्यों कहा? मज़हब के खिलाफ, उसको हम बिल्कुल खिलाफ, नहीं कहना चाहिए था मज़हब के बारे में, नहीं कहना किसी के मज़हब को, कुरान कह रहा नहीं को, हम क्यों, हम कौन होते हैं? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कुरान है जो हमें बताता है कि एक मिनट, अगर आप कहते हैं कोई लॉ बनना चाहिए तो लॉ सबसे पहले तो BJP के जो ये बोल रहे हैं इनके ऊपर बनाओ ना, फिर हम कबूल करते हैं, फिर हम कबूल करके होना चाहिए। जब उसने बोला उनके लिए लॉ नहीं बन रहे, बेचारे मासूमों को लोग करवा रहे हो, भदरवा में हालात उसकी वजह से खराब हुए, तो उसको अंदर करवाओ। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारा परेशान, जम्मू के अंदर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, एक औरत इनसे काबू नहीं हो रही, ये कहाँ हज़ारों औरतें काबू करेंगे, ये कहाँ हुकूमत कर रहे हैं जिनसे एक औरत काबू नहीं हो रही, जिनसे एक नरसिंह खान गंध जैसा ही काबू नहीं हो रहा, तो ये इसलिए हमारी डिमांड है कि नूपुर शर्मा के खिलाफ FIR होना चाहिए, इन्हें अंदर अरेस्ट करना चाहिए और इन्हें दिखाना चाहिए कि ये सिर्फ ये मुसलमानों के भी प्रधानमंत्री हैं।
ये मुसलमानों के भी प्रधानमंत्री बने हैं तो इनको एक्शन लेना चाहिए। और जो जेल में अरेस्ट चाहिए, हाँ हाउस अरेस्ट नहीं चाहिए, हाउस अरेस्ट हो यहाँ पे भी हाउस अरेस्ट नहीं, जेल के अंदर या सजाएं होनी चाहिए जो, लेकिन इनमें चाहिए कि जो हमारी पुलिस है इनको भी चाहिए हाउस अरेस्ट। मजाक छोड़ना है जनाब, एक चीज हम बता दें, एक चीज क्लियर कर दें, हम इस चीज को नहीं, हम इस चीज को कहते हैं प्रोटेस्ट वगैरह, लेकिन एक बात है, हमारे नबी की शान में गुस्ताखी कोई करेगा, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी माएँ ऐसी हैं, हमारी माएँ ऐसी हैं, हमारी माएँ खंसा जैसी हैं, जिन्होंने पैरे देने के लिए हम जैसे जलीलों को, हम जलील ही सही, हम नहीं दुनिया में ज़रा वो, ये हमसे सब अच्छे हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने अगर नबी की बात आएगी तो पैरे देने के लिए हम खड़े हैं, हम खड़े हैं, और हम कयामत तक। और एक बात सुन ले, एक पैगाम है, अभी नहीं, एक बात और ये बात मैं भी बता दूं, अभी नहीं, कयामत तक के लिए पैरे देने वाले इंशाल्लाह अल्लाह के खजानों से रहेंगे, और जो देने की कोशिश करेगा उनको सख्त से सख्त सजाएं होनी। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि पहले तो उन लोगों को अंदर करना चाहिए जैसे नरसिंगानंद जैसे लोग जो एक साल से दो साल से कंटिन्यू जो है वो मुसलमानों के खिलाफ और नबी के खिलाफ उनकी शान में रोज वो उनके खिलाफ बोलते हैं, तो हम ये कहते हैं कि उनको देख देख के नुपुर शर्मा जैसे लोग जो हैं वो भी सोचते हैं कि शायद हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, तो हम भी इसी तरह से सस्ती शोहरत के पीछे हम इस तरह की बातें बोलते हैं हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के खिलाफ और हमें सस्ती शोहरत मिल जाएगी, तो हम कहते हैं कि नुपुर शर्मा को कि ये सस्ती शोहरत के लिए जो आप सब कुछ कर रही हैं कभी भी आपको शोहरत नहीं मिल सकती, क्योंकि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो सब पूरी दुनिया के लिए हैं, वो पूरी इंसानियत के लिए हैं, तो हम ये कहते हैं कि जिस शख्स जो भी शख्स चाहे वो किसी भी मज़हब से हो, मुसलमान हिंदू जो भी किसी भी मज़हब के खिलाफ कोई भी बात करता उसके खिलाफ जल्द से जल्द एक्शन होना चाहिए। क्यों 10-10 दिन 20-20 दिन महीना एक जो आदमी गलत बात बोलता किसी मज़हब के खिलाफ उसको खुला छोड़ दिया जाता है कि ताकि लोग उनके जो क्या कहते हैं उसको दूसरे मेरी बात उन लोगों के जज्बात के साथ खेलने की कोशिश की जाती है, फिर लोग जब प्रोटेस्ट करते हैं तो उन लोगों को ये कहा जाता है कि आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं जी, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा प्रोटेस्ट करना हमारा जो है वो हमारा हक बनता है कि हमारे नबी के खिलाफ अगर कोई भी इंसान जो इस तरह की बात करे, आप देख पहली बात है इस तरह की डिबेट्स होती क्यों है, अगर ये डिबेट्स ही बात डिबेट इस तरह की डिबेट क्यों करवाई जाती हैं, ये इस तरह की डिबेट बंद होनी चाहिए जिससे कि आम जो है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का भाईचारा खत्म हो रहा है, ये डिबेट करवानी, जब कोर्ट में केस चल रहा है किसी भी चीज़ का कोर्ट में केस चल रहा हो तो कोर्ट का इंतजार करना चाहिए।